हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था शिचैन वुइंग से कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा मास्टर वे। शिचैन वुइंग को अपने साथ क्लाउडसिस घुमाने के लिए ले जाता है। वो दोनों काफ़ी दूर आ जाते हैं और फाइनली शिचैन उसे ऐसी जगह लेकर आता है जो वुइंग ने पहले कभी नहीं देखी थी, एक बहुत शांत कोर्टयार्ड। वहाँ जाकर शिचैन दरवाज़ा खोलता है और वुइंग को अंदर आने के लिए कहता है। वुइंग मन में सोचने लगता है, छोटा भाई मुझे जिंक्शी में कैद करके रखता है, कहीं एल्डर ब्रदर मुझे यहाँ तो नहीं लॉक करके रखना चाहता। पर वो एक सीरियस मूड में आकर शिचैन से कहता है, सेक मास्टर लैन, मुझे लंजा की बहुत परवाह हो रही है, आप मुझे यहाँ उससे इतना दूर क्यों लेकर आ गए हैं। शिचैन कहता है, मास्टर वे आप परवाह मत करिए, मुझे पता है वांगजी अंकल से क्या बात करने गया है, मैं अंकल को एडवांस में ऑलरेडी सब कुछ बता चुका था, अंकल वांगजी से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। वही कहता है, पर लंजा को डांट पड़ेगी मिस्टर लैन से, वो भी मेरी वजह से, मैं ये सब कैसे देख सकता हूँ। शिचैन स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर वे मैं सेक्ट मास्टर हूँ, अगर वांगजी इम्पल्सिव होकर आपके साथ कुछ गलत करेगा, वो भी हर वक्त, तो आपको लगता है मैं ये सब होने दूंगा। वही कहता है, इसका मतलब आपको सब पता है। शिचैन कंटिन्यू करते हुए कहता है, यंग मास्टर वे क्या आपको पता है ये जगह कौन सी है, ये मेरी मदर का रेजिडेंस है। वुइंग कहता है, ये मिसेस लैन का रेजिडेंस है, लंजा ने उनके बारे में कभी कुछ मेंशन नहीं किया। शिचैन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, सच तो ये है कि हम दोनों को ज़्यादा कुछ अपनी मदर के बारे में पता ही नहीं है। शिचैन अपनी मदर और उसके फादर चिंग हैंजुन की पूरी स्टोरी वुइंग को बता देता है कि किस तरह उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, वो दोनों एक दूसरे के एनिमी बन गए थे, पर फिर भी उन्होंने एल्डर्स के खिलाफ जाकर शादी की और उनका जीवन हमेशा अकेले ही भी था। वुइंग ये बात सुनकर स्टंड रह गया था। वुइंग मन में सोचने लगता है, लंजा की इनिशियल कंडीशन भी कुछ अपने फादर जैसी ही है। शिचैन उससे कहता है, मास्टर वे अब आप समझ गए होंगे ना कि अंकल को वांगजी की क्यों परवाह है। दूसरी तरफ वांगजी लंच रन से स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता है, अंकल प्लीज़ मुझे युनमक जंग क्लान में मैरिज प्रपोजल भेजने के लिए अलाउ कर दीजिए। वैसे तो लंच रन को शिचैन ऑलरेडी सब कुछ बता चुका था, लेकिन वो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं था कि वांगजी स्ट्रेट फॉरवर्डली आकर उसे सब कुछ कह देगा। उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है, वांगजी तुम्हें पता भी है तुम क्या बातें कर रहे हो। वांगजी उससे कहता है, मैं जानता हूँ अंकल, मैं केयरफुली सब कुछ सोच चुका हूँ, मैं वुइंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करें। शिचैन कहता है, वांगजी तुम दोनों मैन हो। वांगजी कहता है, मैं जानता हूँ अंकल। चिरैन कहता है, वुइंग की पर्सनालिटी परवर्टेड है, उसका बिहेवियर कितना रूड है, एल्डर्स की हमेशा डिसरेस्पेक्ट करता है, कभी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता, ऐसा उसने क्या जादू कर दिया तुम पर जो तुम यहाँ आकर उसके लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। वांगजी कहता है, वुइंग अनरूली ज़रूर है अंकल, पर वो एल्डर्स की कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, उसका बस तरीका अलग होता है। और जो आप रूल्स की बात कर रहे हैं, तो हाँ ये बात सच है, उसने काफ़ी सारे लैंड क्लान रूल्स वॉयलेट किए हैं, पर जांग क्लान रूल्स की बात की जाए तो। तभी चिरैन इंटरप्ट करते हुए कहता है, तुम ये सब बातें क्यों मैंशन कर रहे हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। वांगजी इसके आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका आंसर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। चिरैन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, वो वांगजी से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वांगजी, वुइंग को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो क्या क्या कर चुका है। वांगजी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने प्यार पर विश्वास है और वुइंग ने कुछ गलत नहीं किया है। चिरैन फिर वांगजी को गुस्से में देखता है, लेकिन वांगजी को देखकर चिरैन को पता था कि आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वांगजी को बाहर जाने के लिए कहने ही वाला होता है। तभी वांगजी सडनली उससे कहता है, अंकल। अब वो चिरैन की आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, आप इस रिश्ते के खिलाफ सिर्फ इस वजह से नहीं है ना, क्योंकि वुइंग का बिहेवियर अनरूली है, वो एल्डर्स की डिसरेस्पेक्ट करता है। मेरे ओपिनियन में लैंड क्लैन एक ऐसी क्लैन है जहाँ जेंटलमैन होते हैं, जेंटलमैन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, खुद के डिसिप्लिन्स को फॉलो करना चाहिए, गलत और सही में फ़र्क करना आना चाहिए, पर हम दूसरों के ओपिनियंस को लेकर कैसे ये पता लगा सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। चिरैन को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगजी लेकिन अपना कहना बंद नहीं करता, वो अपनी लाउड वॉइस में कहता है, शायद वुइंग प्रॉब्लम नहीं है अंकल,
प्रॉब्लम हमारी लैन क्लैन है। तभी अचानक से उस हॉल का दरवाजा खुलता है और लैन शिचैन अंदर आता है। वांग जी की नजरें वेंग को ढूंढने लगती हैं तो शिचैन स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर वे मेरे साथ नहीं आए हैं। वांग जी शिचैन से पूछता है, वेंग ने आपसे क्या कहा? शिचैन कहता है, उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल तुम्हें कैसे पनिशमेंट देंगे। मैंने कहा कि अंकल तुम्हें नहीं मारेंगे। ये सुनकर वो काफ़ी रिलीव्ड दिख रहे थे। वो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ आ जाते तो अंकल तुमसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते। वांग जी इस बात पर सिर्फ हम कहता है क्योंकि उसे पता था कि वेंग ने ऐसा ही कुछ कहा होगा। शिचैन कुछ कदम वांग जी के नज़दीक जाता है और उससे कहता है, वांग जी तुमने अंकल से क्या कहा? वांग जी कहता है, वही कहा जो मैंने आपसे लेटर में कह दिया था। ये सुनकर शिचैन साइलेंट हो जाता है और वो वांग जी से हेल्पलेसनेस में कहता है, तुम्हें इतनी जल्दी वापस आने की क्या ज़रूरत थी वांग जी? तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो? मैं एक साल से तुम्हें मदद कर रहा था, मैं आगे भी करता। ब्यूरियल माउंट्स पर जो भी कुछ हुआ उसके बाद यंग मास्टर वे को लेकर पब्लिक ओपिनियंस चेंज हो गए हैं। तुम वापस ज़रूर आ गए हो पर तुम्हें फिर से जाना होगा। तुम क्लोरोसिस में यंग मास्टर वे के साथ हमेशा के लिए नहीं रह पाओगे। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन ये बात बिल्कुल अलग है। अगर मैं यहाँ आकर अंकल को सब कुछ नहीं कहता तो क्या आप कभी भी वो सारी बातें कह पाते जो मैंने लेटर में लैंड क्लैन के बारे में आपसे कही थी? मैंने अंकल को सिर्फ सच कहा है ब्रदर। शिचैन कहता है, क्या पता तुम्हारे कहने पर भी अंकल चेंजेस ना कर पाएं, फिर तुम क्या करोगे? वांग जी कहता है, अगर मैं नहीं कहता तो अंकल इस बारे में कभी भी नहीं सोचते। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, वांग जी यंग मास्टर वे के साथ रहते रहते तुम काफ़ी टॉकेटिव हो गए हो। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ब्रदर अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। शिचैन कहता है, भूल जाओ ये सब, अंकल ने हमें पाला है, वो हमसे भी ज़्यादा सेंसिबल पर्सन है। तुम अपनी बात अंकल पर रख चुके हो, अब आगे का जजमेंट उन पर छोड़ दो। अभी यंग मास्टर वे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम सोच सकते हो कि वो क्या क्वेश्चन था? वांग जी कहता है, क्या पूछा था? शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम गैस नहीं कर पा रहे हो, उन्होंने मुझसे पूछा अंकल को क्या पसंद है। ये सुनकर वांग जी की आंखें खुली रह जाती हैं। उस पूरी रात चिरैन को नींद नहीं आई थी और वांग जी एंसेस्टर हॉल के सामने घुटनों पर बैठा रहा था। सुबह 5 बजे जब लैन चिरैन की आंखें खुलती हैं वो अपना अपीयरेंस ठीक करता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो स्टंड रह जाता है। दरवाजे के बाहर वेंग वहाँ बैठा हुआ था। इससे पहले कि चिरैन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता, वेंग उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर लैन, मैं आपका बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। चिरैन उससे एक अनप्लीजिंग वॉइस में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पनिशमेंट के लिए आया हूँ। चिरैन कहता है, मास्टर वे आप हमारे लैन क्लैन से नहीं हैं, फिर मैं आपको कैसे पनिश कर सकता हूँ? वेंग इस बात पर ना तो नाराज़ होता और ना ही उठ कर जाता, वो अभी भी घुटनों पर सिर झुकाए वहीं बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद वो चिरैन से कहता है, मिस्टर लैन प्लीज़ आप इस बारे में मुझसे बात करिए, लंजा ने क्लैन रूल्स को वॉयलेट मेरी वजह से किया है तो इसमें मैं भी हकदार हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, 3 महीने तक मैं भी आपका स्टूडेंट यहाँ रह चुका हूँ तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं, मैं तुरंत अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करूँगा और कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। चिरैन को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो अपने सामने एक नए वेंग को देख रहा है। उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि वेंग जैसा इंसान जो इतना नॉटी है वो ये सब भी कह सकता है। वेंग फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर आप इस बार मुझसे इस मैटर से दूर रहने के लिए कहेंगे तो मैं नहीं रह पाऊँगा। जैसा कि आपने कहा कि मैं लैन क्लैन का मेंबर नहीं हूं, पर मैं डिसाइड कर चुका हूं, चाहे कुछ भी हो फ्यूचर में लंजा के साथ जो भी कुछ होगा मैं भी वो बेयर करूंगा, चाहे वो खुशी हो या दुख हो। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि लंजा ने जो भी कुछ किया वो सच है। चिरैन कहता है, मास्टर वे तो आपका कहना है कि मैं गलत कर रहा हूँ? वेंग कहता है, मैं एक जूनियर हूँ, एल्डर्स के डिसीजन को लेकर कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन अगर मेरी बात आप सुनना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर में कुछ भी सही या गलत नहीं है। एक इतनी बड़ी क्लान नेचुरली इतनी कैजुअल नहीं हो सकती जैसे कि मैं हूँ। हो सकता है कि अगर आज मैं आपकी पोजीशन पर होता तो मैं भी वही करता।
चिरैन उससे कहता है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं वांगजी को ऑलरेडी पनिश कर चुका हूँ। एंसेस्टर हॉल के सामने वो घुटनों पर बैठा हुआ है और वो किसी से भी नहीं मिल सकता। उसने अपनी ये पनिशमेंट एक्सेप्ट भी की है। वो यिंग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है अंकल, पर क्या मैं प्लीज़ आपके रूम के बाहर ही रह सकता हूँ? चिरैन कहता है, यहाँ से चले जाओ। वो यिंग तुरंत उठकर चला जाता है। विंग के जाने के बाद चिरैन एक स्टूडेंट को बुलाता है और उससे पूछता है, विंग यहाँ कब आया था? तो वो स्टूडेंट कहता है, मैं जब सुबह यहाँ आया तो मास्टर वे ऑलरेडी यहाँ घुटनों पर बैठे हुए थे, शायद वो पूरी रात भर यहीं थे। इसके बाद लैन चिरैन कुछ नहीं कहता, वो अपने रूम में वापस जाता है, चाय पीने लगता है और वांगजी के साथ हुई अपनी उस डिबेट के बारे में सोचने लगता है। विंग को बार बार एंसेस्टर हॉल जाकर वांगजी को देखने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वांगजी को पनिशमेंट मिली थी, वो किसी को नहीं मिल सकता। सुबह से शाम हो जाती है, वो वांगजी का इंतज़ार ही करता रहता है, पर वांगजी अभी तक नहीं आया था। अब जब उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने कपड़े ठीक करता है और साइलेंस रूम से बाहर निकल जाता है। वो अब बस लंजा को देखना चाहता था और उससे कभी भी अलग नहीं होना चाहता था। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था एक भी दिन का। वो सोचने लगता है, मैं लंजा को दूर से ही देख लूँगा। ये सोचकर वुइंग गुसू टाउन में इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा था कि सबकी नज़र उस पर ही थी। सब लोग आपस में बातें करने लगे थे कि आखिरकार ये यंग लड़का है कौन और ये किसके लिए भाग रहा है। विंग की धड़कनें ज़ोरों से बढ़ जाती हैं और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए एक जगह खड़ा हो जाता है, गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी उसका सामने से चले आ रहे वाइट कपड़ों में पहने हुए एक इंसान से होता है, जो अपने हाथ में लैंटर्न लिए वहां आ रहा था। आधी रात का समय था। विंग तुरंत उस डायरेक्शन में भागने लगता है जहां से उसे लाइट दिख रही थी। वो लैंटर्न नीचे गिर जाती है और वांगजी टाइटली उसे हग कर लेता है। विंग और वांगजी दोनों मिलकर लैंडलिंग सिटी जाते हैं, जहां पर यंग मास्टर जिन यानी जिनलिंग के फुल मून सेरेमनी का बैंक्वेट चल रहा था। सब मिलकर वांगजी और विंग को सैल्यूट करते हैं, पर उन दोनों को साथ में देखकर कुछ लोगों को अजीब लगने लगता है। वो आपस में बातें करते हैं, हांगुन जिन और यंग मास्टर वे के बीच रिलेशनशिप क्या है? मैंने सुना है कि ब्यूरल माउंट्स पर भी वो दोनों साथ साथ थे। तभी एक दूसरा बंदा कहता है, हो सकता है वो सिर्फ फ्रेंड्स हों, मुझे वैसे विश्वास नहीं होता कि वो सिर्फ फ्रेंड्स होंगे। और एक तीसरा बंदा कहता है, उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये लैन फैमिली और जांग फैमिली का बिजनेस है। फीस्ट के बाद जिन क्लैन मेंबर्स जिनलिन टेरेस पर जाकर स्वॉर्डमैनशिप कॉम्पिटिशन का ऐलान करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कल्टिवेटर्स पार्टिसिपेट करना चाहते थे, पर वो साथ में मास्टर वे और हांगुन जिन के बीच भी एक कॉम्पिटिशन देखना चाहते थे। सबकी रिक्वेस्ट पर वांगजी और विंग स्टेज पर पहुंच जाते हैं। एक के हाथ में बीचिन और दूसरे के हाथ में सुइबियान थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले ही पल तलवारबाजी शुरू कर देते हैं। फाइटिंग की बस शुरुआत ही हुई थी कि ऑडियंस में सब लोग मिलकर उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने लगे थे। ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि विंग और वांगजी में से कौन जीतने वाला है, कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। सडनली विंग दो कदम पीछे चला जाता है, सुइबियान को म्यान में वापस रख देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हांगुन जुन, आप सच में तलवारबाजी में जीनियस हैं। वांगजी भी अपनी तलवार रख लेता है और विंग को थैंक्स बोलता है। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब दोनों कुछ दूरी पर आते हैं, वांगजी सडनली विंग का हाथ पकड़ता है और उसे स्पिरिचुअल पावर देना शुरू कर देता है। विंग तुरंत अपना हाथ हटाते हुए कहता है, लंजा, मैं ठीक हूँ और हम जिनलिन टेरेस पर आए हुए हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? वांगजी उससे कहता है, फिर तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के कॉन्टेस्ट के लिए हाथ नहीं करना चाहिए था। विंग अब उसके चिन पकड़ते हुए कहता है, हांगुन जिन, तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वांगजी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे स्पेशल एनर्जी देता ही रहता है। तभी यानली वहाँ आती है। दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। यानली कहती है, तुम लोग छुप क्यों रहे हो? विंग तुरंत भागते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है, सीनियर सिस्टर, आप बाहर क्यों आ गई हैं? जिन जुशिन कहाँ है? आप जाकर आराम करिए। तभी यानली कहती है, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना देती हूँ। विंग कहता है, सीनियर सिस्टर, आप आराम करिए, लंचा हमारे लिए सूप बना देगा। वांगजी तुरंत किचन में जाकर एप्रॉन पहनता है और सूप बनाना शुरू कर देता है। विंग उसके पास जाकर कहता है, क्या मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं? वांगजी उससे कहता है, ठीक है। विंग उसके लिए वेजिटेबल्स वॉश करना शुरू कर देता है।
कुछ टाइम तक वेइंग वांग जी की तरफ ही देखने लगता है और फिर उसे क्वेश्चन करना शुरू करता है लंजा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लोटस रूट्स के लिए हॉट वाटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो और कोल्ड वाटर का क्यों नहीं? वांग जी कहता है क्योंकि हॉट वाटर टेस्ट में अच्छा होता है, कोल्ड वाटर टेस्ट ऑफ ब्लड को निकाल देता है। वेइंग अब तुरंत उससे पूछता है, तुमने कुकिंग करना क्यों सीखा? वांग जी उससे कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए करता हूँ। वांग जी ने यानली के सामने ही ऐसा कह दिया था, उसे सडनली अशीम्ड फील होता है। यानली उन दोनों के क्यूट मोमेंट्स को देख रही थी। वेइंग अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आगे बढ़ता है और वांग जी को लिप्स पर किस कर लेता है। वांग जी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस दिख रहा था और अभी भी सूप बनाने में बिजी था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानली जैसे ही किचन छोड़कर जाती है, वांग जी तुरंत वेइंग के शोल्डर्स को पकड़ता है और उसे एक ब्रूटल किस देता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा ये क्या कर रहे हो? पर वांग जी उसके लिप्स पर बहुत जोर जोर से बाइट करने लगता है। वेइंग अब उससे कहता है, लंजा अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। वांग जी उसे जोर से गले लगाते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।